नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली पोस्ट। मैं हूं रवि शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के रेलवे स्टेशन में। मैं आपको बता दूं कि कुछ जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो चुकी हैं, जिसके कारण मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी रश जो है वो यात्रियों का है, क्योंकि यात्रियों को नहीं पता था कि जो ट्रेनें रद्द हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले आपको दिखा दें कि वो ट्रेनें जो रद्द हो चुकी हैं उनके नाम हम अगर आपको बता दें कि शालीमार एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर रद्द है और पूजा एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर रद्द है। तस्वीरों में आप ठीक सामने देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियों के नाम जो हैं वो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि कौन सी ट्रेनें जो है वो यहाँ पर रद्द हैं। हालांकि कारण क्या है वो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश भी हम करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना रश जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि ट्रेन्स जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं और भारी रश जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी रश यहाँ पर है, क्योंकि जो यात्री हैं उनको नहीं पता था कि आज जो ट्रेन्स हैं वो रद्द हैं और वो अपने जो समय था तय समय अनुसार यहाँ पर पहुँच चुके थे। लेकिन अचानक यहाँ पर आकर जब उनको पता चला है कि जो ट्रेन्स हैं वो रद्द हैं और रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका कारण साफ है कि अगर यहाँ से ट्रेन्स लगातार चलती रहती हैं तो उस समय जो है वो रश नहीं होता, क्योंकि लोग यहाँ से बाहर निकलते जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर रोक दी गई हैं, रद्द हैं। कारण जो है वो ये है कि जो पंजाब में किसानों द्वारा प्रदर्शन जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है और सुरक्षा कारणों की दृष्टि से जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं। तस्वीरों में आप ठीक सामने देख सकते हैं कि किस तरह से भारी रश जो है वो यहाँ पर है। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन की, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर भारी रश जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर सूचना केंद्र की हम बात करें तो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सूचना केंद्र है उसके बाहर जो लोग हैं वो जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो उनकी ट्रेन है वो आखिर कितने बजे जाएगी। तस्वीरें बिल्कुल ठीक आपके सामने आप देख सकते हैं। फिर से आपको बता दूं कि जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन की, ये तस्वीरें हैं जहां पर जो ट्रेन्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं, जिसके कारण भारी रश जो है वो यहाँ पर है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो ट्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर रद्द हो चुकी हैं। सर, आपका नाम? मुकेश। सर, आप यहाँ पर आए थे, कहाँ आप जाएंगे और कौन सी ट्रेन थी आपकी? अजमेर के लिए थी ट्रेन, और रद्द हो गई, पता ही नहीं चला हमें कितनी देर क्या हुआ ट्रेन, क्यों? कोई कारण आपको पता है कि क्यों ट्रेन रद्द? कुछ कारण नहीं बताया गया, पहले से आपको नहीं पता था आप यहाँ पर आ गए? तो हम अभी आए हैं यहाँ और देखा तो यहाँ ट्रेन रद्द है, तो क्या करें, बच्चों के साथ अभी इधर बैठे हैं, क्या करें। जी हाँ, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की। सर, आप कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी पूजा एक्सप्रेस थी और अभी हम 10 जने टोटल है और यही बैठे हुए स्टेशन, हमें अजमेर जाना था, यहाँ जम्मू से अजमेर कल ही हमने बुकिंग करवाया था तत्काल का और अभी कैंसिल हो गया पूरा। तो किस तरह की परेशानी का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ा? जाने के लिए कोई भी नहीं, यहाँ से डायरेक्ट अजमेर के लिए कोई गाड़ी नहीं है वैसे। तो अगर आप सूचना केंद्र पे गए हो तो वहाँ से किस प्रकार की जानकारी आपको दी गई है? अभी उन्होंने कुछ ऐसा रीजन नहीं बताया हमें, तो बस यहाँ के देखे हमने देखा तो कैंसिल है ट्रेन। कैंसिल ट्रेन का कैसे? जी हाँ, आपको फिर से बता दें कि मेरे ठीक पीछे आप एक बार फिर से मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भारी रश है वो यहाँ पर है। हालांकि जिन यात्रियों से हमने बात की, आपने देखा कि यात्रियों का ये कहना है कि उन्हें रीज़न जो है, कारण जो है वो नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किस कार ट्रेन किस कारण जो है वो रद्द हैं। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। कारण साफ आपको बता दें कि तस्वीरें जो ठीक आपके सामने हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन की, ये तस्वीरें हैं जहां पर जो ट्रेन्स हैं वो रद्द हो चुकी हैं और जिसके कारण भारी रश जो है वो यहां पर है। फिर से आपको बता दें कि जम्मू के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से जो रश है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो यहां पर सामने आप देख सकते हैं कि जो पूजा एक्सप्रेस है वो यहाँ पर रद्द है। अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो कौन कौन सी जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर रद्द हो गई हैं। कारण जो है, जो यात्रियों से जब हमारी बात हुई तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि कारण जो है वो सूचना केंद्र से भी उनको जो है वो नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ इतना उनको बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेन्स जो हैं वो रद्द हैं, लेकिन कारण जो है उनको नहीं बताया जा रहा है। फिर से आपको बता दें कि जो तस्वीरें आपको इस समय दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन की। जी हाँ, फिर से आपको बता दें कि जो पूछताछ केंद्र जो है वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो
लोग हैं वो वहाँ पर जो है पूछताछ कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन्स जो हैं वो वहाँ पर लेट भी हैं और रद्द भी हैं। कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सूचना केंद्र है, पूछताछ केंद्र जो है, वहाँ के ये दृश्य हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी रश यहाँ पर है, जो अपनी ट्रेन्स हैं उनके बारे में लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? अजय गुप्ता। कौन सी आपकी ट्रेन थी? हिमगुआत है, पंजाब में, अमृतसर से। अमृतसर अभी आपको कहाँ पर जाना था? अमृतसर जाना है। तो आपकी गाड़ी जो है वो रद्द है जी? तो कारण आपको पता चला कि किस कारण आपकी गाड़ी जो है वो रद्द? कारण नहीं पता चला अभी तक। जी हाँ, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? कौन सी आपकी गाड़ी थी? भूपिंदर, जेलम है हमारी, पुणे जाने वाली। आप ये बता रहे हैं अम्बाला से जाएगी, अभी अम्बाला कैसे पहुँचे हम? तो सर, कल से अभी तक सब टिकटें कैंसिल करा चुका हूँ। तो सर, कारण आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर किस कारण जो है ट्रेन ढंग से बता नहीं रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ ढंग से बिल्कुल बता नहीं रहे हैं। अब जब आप सूचना केंद्र पर, जो पूछताछ केंद्र है, जब आप वहाँ पर गए तो किस तरह का जो रिस्पांस था आपको वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा मिला? हमें दो दो मिनट में मतलब बता रहे हैं कि पहले बता रहे हैं रद्द है, फिर बोल रहे हैं जाएगी, फिर बोलते हैं रद्द है। कुछ महिला यात्री जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है मिलन। हम कल से वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ अपडेट नहीं दे रहे, सिर्फ बोल रहे हैं हमें नहीं पता, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं तो अभी तक। अभी जब पूछा हमारे जेलम का टाइम, बोल रहे हैं कि अम्बाला से, अभी अम्बाला कैसे पहुँचेंगे और टाइम का कुछ पता नहीं है। वहाँ पहुँचना हमारा एक्स्ट्रा पैसा लगे, 3 महीने पहले से टिकट बुक करिए, कोई फायदा नहीं है। मैम, किस तरह की परेशानी का आपको यहाँ पर सामना करना है? हम रिफंड लेने गए वहाँ पे, उनके सिस्टम पे अपडेट नहीं हुआ है, सिस्टम पे कब अपडेट होगा? फिर बोलते हैं वापस जाके इंक्वायरी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। हम परेशान हो गए, सुबह 2 बजे से, सुबह 1 बजे से घूम रहे हैं। तो मैम, जो यहाँ पर कर्मचारी रेलवे के यहाँ पर तैनात हैं, जब आप पूछताछ केंद्र में गए तो जो उनका बिहेवियर है तो वो आपके प्रति कैसा था? किस तरह का बिहेवियर? गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और क्या होगा, आपको तो पता ही है गवर्नमेंट कैसी है, कुछ नहीं है, बस सर नाम के लिए। मैम, अगर आपकी आवाज वहाँ तक पहुँच रही है हाई अथॉरिटीज तक, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बोल ले, कोई आवाज नहीं पहुँचती, कोई आवाज कहीं नहीं पहुँचती, हम ही भूलेंगे और कुछ नहीं होने वाला। अब हम कैसे जाएं, अम्बाला कैसे पहुँचे, ये कुछ बताएं हमें। कोई बस नहीं है, बस कल रात को हमें लुधियाना के लिए बस वो कैंसिल हो गई है। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी कोई प्रशासन से नाराजगी है। सर, क्या और यहाँ तो सुविधा ही नहीं है, या तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बोल दे ट्रेन रद्द है और कौन सी ट्रेन चला नहीं रहे उसकी जगह पे, कैसे जाएंगे हम लोग? कारण आपको बताया गया, आखिर किस कारण से नहीं बता रहे? हम तो वही परेशान है, भीड़ देखो लाइन में इतनी है, नंबर ही नहीं आ रहा पूछताछ का। जी हाँ, एक बार फिर से आपको दिखा दें कि कितना रश जो है वो यहाँ पर है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पूछताछ केंद्र जो है वो, उसके ये दृश्य यहाँ पर हैं। मैडम, जो रुड़की के लिए कोई है? तस्वीरें जो हैं वो पूछताछ केंद्र की तस्वीरें हैं, जम्मू के पूछताछ केंद्र की। यहाँ से कोई भी नहीं अम्बाला के लिए? जी हाँ, देखा आपने कि किस तरह से जो पूछताछ केंद्र है और वहाँ तक हमने भी जाने की कोशिश की, और जो यात्री यहाँ पर थे, जो उनका आरोप था वो बिल्कुल सही सिद्ध साबित हुआ है। आपने देखा कि किस तरह, अगर मीडिया के कैमरों के सामने इस तरह का बिहेवियर होगा, अगर जो एम्प्लाइज यहाँ पर हैं, तो आम जनता जो है उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपने देखा कि जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पर आनाकानी जो थी वो जवाब देने में वहाँ पर की गई, और आखिरकार हमें ये बोला गया कि आप अपने कैमराज जो हैं वो यहाँ पर
बंद कर लें, जैसे ही कैमराज यहाँ पर बंद होंगे तो हम आपको जवाब देंगे। और दूसरे जो महिला कर्मचारी यहाँ पर थी वो यहाँ पर आई और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम आपको नहीं बता सकते, लिस्ट यहाँ पर लगी है कि कैंसिल है, आप लिस्ट दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने लिस्ट देखी तो वहाँ पर हमें ये दिखाई दिया कि वहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि जो ट्रेन्स हैं वो रद्द हैं। हालांकि ट्रेन्स रद्द क्यों हैं इसका कारण किसी को मालूम नहीं, और भारी परेशानी का सामना जो है वो वहाँ पर जो यात्री हैं यहाँ पर उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन्स जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। आखिर जो हमारा भारत है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी अपना काम करते हैं वो अपनी जिम्मेवारी आखिर कब समझेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अमित कुमार के साथ रवि शर्मा, अर्ली पोस्ट, जम्मू।